नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। देखिए अमित हमारे साथ हैं, पूजा हैं, नमस्कार। और मौसम अमित करवट बदल रहा है, बिल्कुल, और कोहरा छटने लगा है। सर्द हवा के बीच दिन में खिली खिली धूप गर्माहट का एहसास भी कराने लगा है। और ऐसे में अब होगा ये कि हफ्ते 10 दिन में लोग मोटे मोटे स्वेटर जैकेट्स पैक करेंगे और टी शर्ट और स्लीवलेस शर्ट्स में अपनी अपनी बॉडी फ्लॉन्ट करते हुए नजर आएंगे। बात तो बिल्कुल ठीक कही आपने, लेकिन उनका क्या होगा जिन्होंने पूरी सर्दी खा खा कर पूजा अपने शरीर को बेढोल बना लिया और उनकी फिटनेस भी खत्म हो गई। अमित, उनको तो अपना मोटापा छिपाने का बड़ा टेंशन होगा, और कैसे ये छिपेगा मोटा पेट उसका डर भी सताने लग रहा होगा। बिल्कुल ज्योत्सना, पोल खुलने का डर तो लोगों को सता रहा होगा, लेकिन हम है ना उनकी मदद के लिए। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि सर्दी खत्म होते होते आपका फिगर ट्रैक पर आ जाए, फिटनेस भी पहले जैसी हो, तो आज से ही हमारे साथ अपने मिशन की शुरुआत कर दीजिए। बिल्कुल, और इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए सबसे पहले कुछ फिटनेस टेस्ट करने की जरूरत है। तो पहला है कि बैलेंस टेस्ट करते हैं, कम से कम 45 सेकंड तक एक पैर पर खड़ा हूं, यानी कि कुछ इस तरीके से। अब मैं शूज के साथ ही कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, आप 45 सेकंड आप गिनना शुरू करना पड़ेगा किसी को, मेरे लिए थोड़ी दिक्कत है। नहीं नहीं, हम आपको आज लीवे मैंने छोड़ दिया क्योंकि मेरे शूज है इस वजह से। अब दूसरा टेस्ट क्या है? बिल्कुल अमित, ये तो हुआ बैलेंसिंग टेस्ट। अब बात कर लेते हैं मोबिलिटी टेस्ट की। मोबिलिटी भी शरीर में होना बहुत जरूरी है, तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग अपनी मैट में सीधे खड़े हो जाइए, जैसे मैं ऐसे खड़ी हूं। अब जब आप स्टैंडिंग पोस्चर में होंगे तो अपने लेग्स को क्रॉस कर लीजिए, ऐसे। आप जिस भी पोजीशन में कंफर्टेबल हैं, चाहे आप राइट लेग आगे कर लीजिए, चाहे लेफ्ट लेग आगे कर लीजिए। उसके बाद धीरे से आपको आराम से बैलेंस बनाते हुए नीचे बैठना है, और उसके बाद बैठे नहीं रहना है, ऐसे ही धीरे से आराम से ऊपर भी खड़े होना है। आप चाहें तो 2 बार, और अगर बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हैं तो 5 बार भी कर सकते हैं। मुझे लगता है 10 बार भी हो जाएगा जो कंफर्टेबल है, लेकिन जिनका नहीं हो रहा है पूजा, उनके लिए तो दिक्कत है। बिल्कुल, और हमें तीसरा है स्टेमिना टेस्ट। इसके लिए 1 मील दौड़ कर देखे, और इसे पूरा करने के लिए 10 मिनट का टारगेट रखे। ये देखिए लोग दौड़ भी रहे हैं, और वैसे ये एवरेज भी अच्छा है। एक अगर 10 मिनट में 1 मील भागना है, मतलब 1.25 किलोमीटर, उस हिसाब से ये एवरेज अच्छा है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के। बिल्कुल, अगर आप 1 मील दौड़ लेते हैं, यानी कि करीब 1.25 किलोमीटर आप बता रही हैं, अगर 10 मिनट में, मुझे लगता है कि बहुत है। और इसमें अगर आप नॉर्मल स्पेस भी रखते हैं, जो हम बोलते हैं ना कि आप अगर ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं तो भी आप पहुंच जाएंगे। अगर ब्रिस्क और चिनअप्स पुलअप्स कर लेंगे तो वो सोने पे सुहागा। बिल्कुल, चिनअप्स और पुलअप्स तो सबसे बेस्ट है। आपके जो पूरी बॉडी का अपर पार्ट जो होता है, इतना अच्छा उसको स्ट्रेंथनिंग मिलती है। उसके लिए कोर स्ट्रेंथ बनानी पड़ेगी हमें। अपर नहीं, अपर शोल्डर्स हो गए, कोर हो गया, थाइज हो गई, तो ओवरऑल अगर आपकी बॉडी मजबूत होगी तो उतने अच्छे चिनअप्स और पुलअप्स नीट लगेंगे। और फिटनेस और परफेक्ट बॉडी के लिए अब चौथा टेस्ट क्या, ये भी आपको बताते हैं, ग्रिप स्ट्रेंथ। इसके लिए आपको 30 सेकंड तक लटकना होगा, और इन चारों टेस्ट से होगा यह कि सबसे पहले आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको अपनी फिटनेस का लेवल समझना होगा, तभी आप आगे की टारगेट को अचीव कर पाएंगे कि क्या आपने रखा है। और कल स्वामी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि ये सब तभी करने हैं जब आपका शरीर इन सारी एक्सरसाइजेस को, स्पेशली ये जो ग्रिप टेस्ट है, इनको करने के लिए तैयार है, वरना इंजरी हो सकती है। देखिए, योग गुरु स्वामी रामदेव भी दिखाई दे रहे हैं, योग अभ्यास प्राणायाम और डाइट प्लान को फॉलो करना होगा ज्योत्सना, ये भी बहुत जरूरी है। और स्वामी जी अक्सर कहते हैं, और 10 दिन के अंदर अगर आप ये सब कुछ करते हैं तो आसानी से 10 किलो फैट बर्न कर सकते हैं। और एक बार वजन घट गया तो समझिए हाई कोलेस्ट्रॉल, बीपी, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज, फैटी लिवर और अर्थराइटिस जैसी बीमारियों का खतरा भी दूर हो जाएगा अमित। और फिर ढीले ढीले कपड़े पहनकर वजन छुपाने की नौबत नहीं आएगी। तो चलिए सीधा रुख करते हैं योग गुरु के वेटलेस मंथ से मोटापे को खत्म करने के लिए। स्वामी जी हमारे साथ जुड़े हैं। स्वामी जी बहुत बहुत प्रणाम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम। अभी भी बहुत सारे लोगों के पास वक्त है अपना मोटापा कम करने के लिए। छुपता जब बढ़ जाता है, अब देखो ये कितना ही छुपा ले कैसे छुपेगा, कितना है 140 बढ़ा कैसे, ये राज बताओ। कुछ लोग अंडरवेट है ना, वो जानना चाहते हैं कैसे। जब तक 25-26 साल तक अपने बाबा का हाथ था, उसके बाद बेलगाम हो गया, कुछ भी खाया। बेलगाम हो गया, पहले बाबा का हाथ था, बाबा का हाथ सिर पे रखवा ले, बाबा का ही लिया हाथ। 140 किलो अब कहाँ छुपाए छिपे साहब, और ये है 150। अभी कितना किलो कम कर लिया बेटा? 2 से 2.5 किलो हो गए बाबा जी। 30 उम्र कितनी है? 23 साल। 23 साल, वजन 150। अब देखो, एक तो मेरा पेट देख,
पूरा हट जाएगा बेटा, ये तो कई किलो लटक रहा है। ये बर्गर पिज्जा कोल्ड ड्रिंक ये वो कुछ ज्यादा खाया क्या? मीठा ज्यादा नहीं, तो मीठा भी बंद ही है कि घर में शुगर है। बड़ा कैसे? 4-5 साल पहले हार्मोनल इंबैलेंस हो गया। हाँ, हार्मोनल इंबैलेंस है तो 2 दिन में 2 किलो तो घटा लिया, रोज 1-1 किलो घटाएगा। स्वामी जी ओम, मेरा एक्चुअली हर्निया का ऑपरेशन हुआ था नाभि का, जिम में एक्सरसाइज करते हुए हर्निया बाहर आ गई थी। बता रहे थे ना कि कोई भी वजन उठाए या कुछ भी एक्सरसाइज करे सावधानी पूर्वक। उसके बाद मेरा वजन एकदम बढ़ गया, मैं अब मेरा वजन इस टाइम 125 है, मैं लगभग 17-18 किलो लूज कर चुका हुआ हूँ। मेरे नजदीक पहुँचाना बिल्कुल, मेरा तो है 67, आप 70 तक आ जाना। आपने कितना कम किया भाई साहब? मैंने 5 किलो वजन कम करा। कितने दिन में? 5 दिन के अंदर। पक्का? हाँ जी। उम्र कितनी? 63। वीरेंद्र वार्ष्णेय दिल्ली। जी, और तुमने कितना कम किया बेटा? स्वामी जी मैंने अभी, पहले तो मेरा 26 था, अब 29 हो गया, 2 किलो और कम कर लिया। 29 किलो वेट कम कर लिया, पर तो बोरिसा भरा हुआ था तेरा कल। हाँ जी, हाँ जी, सर्वजीत। हाँ जी। और तुमने? मैंने तो स्वामी जी मेरा 3 किलो वजन कम हुआ है 5 दिन में। 5 दिन में 3 किलो। और तुमने कितना कम किया भाई? 11 किलो स्वामी जी, 11 किलो। अब और मत कम करियो, आने तो कहेंगे भाई इसको कोई बीमारी तो नहीं होगी। और 2 किलो किया है मैंने 3 दिन में। 3 दिन में 2 किलो एवरेज अच्छा है वैसे स्वामी जी। इसके लिए एक तो चाहे किसी को दौड़ने को मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, तो खड़े खड़े ऐसे दौड़ो, एक और एक ही है, दो है ना, इससे पूरे शरीर में ऊर्जा भी आ जाएगी। और फिर ये ऐसे चलो करो ऐसे, और फिर बस्ती करनी है, कुंजर करना है, दंडबस्ती करनी है, वस्त्र धोती करनी है, शुद्धिकरण संख प्रक्षालन करना है, ये बड़ी जबरदस्त चीज है। वैसे स्वामी जी अब देखो, एक तो ये नली ऐसे लगा दी, नली से पानी निकल रहा है और नली से ऐसे निकल रहा है कि जैसे कहीं टंकी लगा दी हो। ये स्वामी जी जैसे पानी निकल रहा है ना, ऐसे शरीर से फैट निकालना, कुंजर से ही डर रहा था हमारा बच्चा। डर गया है सर्दियों में स्वामी जी खा खा के, क्योंकि अब तो स्वेटर उतरेगा। अब जब स्वेटर उतरेगा तो आपका पूरा का पूरा जो सरफेस एरिया अच्छी तरह से नजर आएगा, सुपर एरिया नजर आएगा। अब उसे कम करने के लिए किस तरह से फैट निकले इसका उपाय तो आप ही बताएंगे, जिम्मेदारी अभी आपकी है, ताकि लोग बढ़िया शरीर लेके टी शर्ट पहन के घूम पाए। स्वेटर उतरेगा तो पोल खुलेगी। ये जिम्मेदारी हमने पूरी ले ली है। और एक तो ये करना है 100 बार, कितनी बार? 100 बार। तो आज का शब्द है पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। अमित जी, ज्योत्सना जी, पूजा जी, क्या बोलो? पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। 100 बार तो ये करना है, फिर 100 बार ये करो, देखो ये 100 बार पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, 100 बार से लेके 500 बार तक करो, और कितना कम हो जाएगा? 1 दिन में 2 किलो 500 बार करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 करो करो करो। अभी तो इसका कर कर कर। क्या नाम बेटा? अक्षत। अक्षत का जो है हार्मोनल इंबैलेंस के कारण से बढ़ा था, कोई बात नहीं बेटा, अब जो बढ़ गया तो बढ़ गया, पहले धीरे धीरे बाद में तेजी से हो जाएगा। ऐसे ये 100, 200, 500 बार तक करवाते हैं हम ऐसे, ये ऐसे ऐसे। अब देखो इससे तो पेट पीठ का कवर, अब फिर आगे पीछे से भी इधर फ्लैट हो जाना चाहिए, तो आगे पेट पड़ा हुआ है, पीछे कुल्ले भरे हुए, उसको कम करने के लिए ये अभ्यास। अब लोकलाइज जो फैट है ना उसके लिए बता रहे हैं ऐसे ही। अब किसी के आगे पीछे ये दोनों दोनों बढ़े हुए ना, दोनों फ्लैट हो जाएंगे, ये भी 100, 200, 500 बार तक कर सकते हैं। पहले दिन 25-25 के 4 राउंड करना है, फिर रोज 25-25 बढ़ाते जाओ, रोज 25-25 50-50 बढ़ाते जाओ, और 5-7 दिन में 500 बार करने लग जाओगे। फिर अब देखो किसी के हाथ बहुत भारी हो जाते हैं तो हाथों को ऐसे ऐसे करना है पूरे वेग से और लंबे श्वासों के साथ, अब तेजी से करना है तो हाथ भी धीमे घुमा रहो बाबा, जाम है बोले बाबा। अब हाथ भी पूरे नहीं घूम रहे, पूरे कंधे जाम हो गए, ये ऐसे। तो ये जो हाथ बढ़ जाते हैं ना उससे, अब टांग में वजन बढ़ गया तो फिर टांग घुमाओ, पेट में जहां बढ़ा हुआ है वहीं गति पैदा करो, शक्ति पैदा हो जाएगी। देखो ऐसे, अब देखो ये बढ़ा हुआ है टमी, ये पेट
मेरे को जिसका पेट मोटा होता है ना उस पर बहुत दया आती है। मैं भगवान जी से कहता हूँ, भगवान या तो इसका पेट कम कर दे या इसको जल्दी उठा ले। बोला बाबा जी ना अभी उठाओ मैं। लंबे लंबे लग जाएगा तो साथ में आपके आपकी दुआएं सुनके। ये देखो इससे पेट कम हो जाएगा। ये बेटा ये 100 से 500 बार करना। क्या बोला? पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, फिर अश्वगंधा के पत्ते खाना, ये गोधन अर्क और वेट गोर मेदो हर लेना, गोधन अर्क के साथ वेट को दो दो चार चार। अब ये तेरे को चार चार खानी बेटा, सुबह दोपहर शाम, ठीक है? सबसे छोटी उम्र का तेरे को प्रसाद दिया है, है ना? और ये गोधन अर्क, ए बाबा का बच्चा इधर आ, तो ये दो दो गोली तो आम लोगों को खिलाते हैं, तेरे अंदर तो वजन की भी तो पराकाष्ठा है। हाँ, या आधा कप ये पीना, इसमें एक कप एक गिलास पानी में मिला के, और चार चार गोली आखी खाइयो मेदो हरबटी की। जा ऐसे स्वामी जी, वे मेदो हरबटी और वेट गो चार आपने चार तो गोली। उपाय दे दिया सबको, लौकी का जूस आपके साथ जो आप पर लोग मौजूद हैं, गरम पानी। ये स्वामी जी आपने तो सबको बांट दिया कि किस तरह से वजन कम होगा, लेकिन शो के शुरुआत में हम लोगों ने भी कुछ टारगेट दिए थे जिनका वेट ज्यादा है, चार टारगेट फिक्स किए थे। पहला था कि पैर पर खड़ा होना है, एक पैर पर खड़ा होना है बैलेंसिंग। दूसरा था कि क्रॉस लेग करके बैठना है फिर उठना है। तीसरा था कि 10 मिनट में 1 मील दौड़ना है। और चौथा था 30 सेकेंड तक लटकना है। तो योगाभ्यास के साथ साथ ये भी बताने की जरूरत है लोगों को स्वामी जी कि बीच बीच में ये टेस्ट भी करें ताकि एटलीस्ट अपने स्ट्रेंथ के बारे में तो स्टैमिना के बारे में कुछ पता चल पाए। इसके अलावा कुछ और जोड़े तो स्वामी जी और भी अच्छा है। तो देखो मैं तो ऐसे 1 घंटे तक खड़े रह सकता हूँ। कितना? 1 घंटे ऐसे भी और ऐसे भी। और अब तो न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर भी यही प्रतिमा लगी हुई है मेरी, सारी दुनिया के 200 सेलिब्रिटीज के बीच ऐसे। और क्रॉस ले करके कितने उठ लो कितने बैठ लो कि क्या दिक्कत है ऐसे। अब तुम ऐसे बैठोगे उठोगे दिक्कत होगी तुमको, है बिना हाथ लगाए ऐसे ऐसे उठना बैठना है, ऐसे उठक बैठक करनी 10 बार है ऐसे ये। और लटकने वाला काम तो हम तो कहीं भी लटक जाते, और कहीं लटक करके चाहे आधा घंटा लटका लो, हाथ थकने नहीं चाहिए। तुम लटकोगे या तो पेड़ तोड़ोगे, उधर लटका तो पेड़ ही टूटेगा। स्वामी जी तो डिस्क्लेमर दे देना चाहिए, चलो खजूर पे अटक नहीं, या पैर टूटेगा या तो पेड़ टूटेगा। स्वामी जी एक चेतावनी भी दे दीजिए, अब ऐसे ना करें लटकने। ये करो, पता नहीं क्या क्या, ये स्टेमिना होना चाहिए। एक एक बार में 10 बार तो ऐसे करो, ये तो नॉर्मल स्टेमिना है। और मैं करता हूँ ऐसे 100 बार। कितनी बार? 100 बार। जब गुरुकुल में पढ़ा करता था तब करता था ऐसे 500 बार। कितनी बार? ये स्टेमिना टेस्ट है, ये भी होले होले कर लो चाहे। 10 बार में तो सब क्लियर हो गए। हाँ, पैर उठा करके करना ऐसे ये, और फिर नहीं तो लेट के कर लो ऐसे ये ऐसे, धीरे धीरे करके बिना थके रिदम के साथ 10 बार तो बहुत भाई, आप ये मामला जचा नहीं हमको। धीरे धीरे 10 बार से तो शुरुआत है, 25 बार, 50 बार, 100 बार ऐसे। देखो इस प्रवाह से श्वास लिया ऊपर, श्वास छोड़ा नीचे। ये स्टेमिना टेस्ट भी है, और इससे पेट पीठ का भी वजन कम हो जाएगा, और बॉडी का स्ट्रक्चरल बैलेंस बहुत अच्छा होगा, शरीर सुंदर होगा, खूबसूरत होगा। अरे अब तो वृंदावन वालों भी लेट गया, कहाँ को है भाई? लंबे लंबे श्वास उठा 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 ऐसे। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे वो रूस में वो सुमो पहलवान होते हैं ना। जापान में होते हैं, जापान के सुमो पहलवान। उठा 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 ऊपर देख। हाँ, जापान में रूस में उधर लंबे लंबे श्वास। अब इसका मेरा कंपटीशन होगा इसके बाद। स्वामी जी उन्होंने तो हार मान ही ली है, आप ना कराओ उनसे। और उठा 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 ऊपर उठा 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 ऐसे धीरे धीरे करके ना लगातार ऐसे 100 बार तक करना। अमित जी जी, ज्योत्सना जी जी, 100 बार। तो फिर देखो
बाइसेप ट्राइसेप पेट पीठ पूरा शरीर एकदम परफेक्ट। फिर ये जिनका ये पेट लटकता है ना बेटा यहाँ से ना, ये तो तेरा लटक रहा था ना, तेरा कम से कम 10 किलो इधर 10 किलो इधर लटक रहा है यही, तो इसके लिए ये कर, ये वाला ऐसे। और अनाज नमक मीठा बंद, शाक सब्जियां फल ही खाना। क्या बोला? शाक सब्जियां फल कच्चा ही खा सकता है, उबाल के भी जरूरत नहीं। पालक है, बथुआ है, मेथी है, धनिया है, ऐसे ही रगड़ो, क्या दिक्कत है, ऐसे ही खाओ। पपीता अनार ये बग्गू गोसा ऐसे ये ऐसे ये ऐसे ऐसे करो, तो इससे जो ये लटक पटक हो रही है ना ये कम हो जाएगा। और हम सभी ये जानते हैं कि मोटापे का जो सीधा सीधा रिश्ता है वो खराब खान पान से है। आज आप जो योगाभ्यास करवा रहे हैं वो तो हर दिन करने की खासकर उन लोगों को जरूरत है जिनके शरीर में फैट ज्यादा है, जो मोटे हैं। लेकिन इसके साथ साथ खाने पीने का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। आप ही कहते हैं बैलेंस डाइट रहेगी तो जीवन अच्छा रहेगा, तो योगाभ्यास प्राणायाम के साथ साथ डाइट कैसी होनी चाहिए, उसमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ये भी समझाइए। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाओ बोधस्य योगो भवति दुखा। देखो ये इसमें इजी हो जाता है, ऐसे कर लेना और बहुत सुंदर शरीर बनेगा, फिर विश्व सुंदर बन जाओगे। विश्व सुंदरी को तो कहने की जरूरत है ही नहीं, लंबे लंबे श्वास। अब विश्व सुंदरी की प्रतियोगिता ही तो बहुत हुई है, विश्व सुंदर प्रतियोगिता करेंगे हम इंडिया टीवी पर, लंबे लंबे श्वास। तो क्या क्या करना पड़ेगा? जंक फूड, फास्ट फूड, ये ज्यादा मीठा, हाई कैलोरी डाइट बंद करनी पड़ेगी। लो कैलोरी एंड हाई प्रोटीन। हाई प्रोटीन का मतलब केवल प्रोटीन डाइट ही नहीं, कुछ लोग फिर प्रोटीन पाउडर ही खाने लगते हैं, पूरा कार्बोहाइड्रेट और विटामिन न्यूट्रिशन फल शाक सब्जियां सभी बंद कर देते हैं। ये बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट ऐसे। और फिर देखो सीधे लेट करके, अब सबसे ज्यादा वजन कहाँ बढ़ता है? कुल्ले, गंगाएं और पेट। पेट के लिए तो ये अर्धहलासन, दोनों से हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक एक से कर लेना। और 100 से 500 का टारगेट दे रखा है। फिर नाश्ते में लौकी का जूस, किसका जूस बोलो, लौकी, पेठा, कद्दू और खीरा जूस, उसमें थोड़ा सा धनिया पुदीना और थोड़ा नींबू मिला लेना। और गर्म पानी में रात को भिगो तो पानी में, और सुबह उबाल करके तेज गर्म पानी में त्रिफला, उसमें थोड़ा हल्दी अदरक और थोड़ा शहद, पतंजलि हनी, प्योर हनी है, वो मिला के पी लेना ऐसे। ये अर्धहलासन, पैर घुटने सीधे, ये आहा आनंद आ गया। अब देखो 10-20 बार से शुरू करके फिर थोड़ा रिलैक्स होना, मरकटासन करना, फिर थोड़ा भस्त्रिका करना, कपाल भाती, अनुलोम विलोम करना, फिर दोबारा लग जाना। अब किसी किसी के तो टांगे इतनी मोटी रहे, एक एक टांग में एक एक रामदेव है। ये बोला बाबा जी मैं 2 रामदेव तो साथ ही लेके घूमू, दाएं बाएं एक एक, ओ हो हो 40-40, 50-50 किलो की टांगे हो जाती है लोगों के, ये ऐसे गोलाई में घुमाए ऐसे। तो नाश्ते में एक दिन लौकी का, एक दिन खीरा का, एक दिन करेले का, एक दिन टमाटर का जूस पीना, एक दिन पाइनएप्पल। पाइनएप्पल वजन बहुत जल्दी घटाता है। और जूस क्या, पाइनएप्पल खाओ ना जू। देखो बाकी सब ये अनहेल्दी चीजें खाते हैं, उससे अच्छा तो जूस ही पी लो, और जूस से अच्छा है पूरा ही खा लो। क्या? संतरा, मौसमी, पूरा खा लो पाइनएप्पल ऐसे। और ये जो लौकी खीरा करेला ना, इनमें तो कुछ बचता ही नहीं है ना, उनमें तो फाइबर पूरा का पूरा जूस ही में आ जाता है, तो फाइबर ना फेंकना पड़े इसलिए उनको, जैसे मैंने अनानास का बोला उसको एकदम, ये फैट कटर का काम करता है। अनानास क्या करता है बच्चों बोलो? फैट कटर का काम करता है। और बाकी जो फैट कटर खाते हैं ना, तो फिर उनके सारे न्यूट्रिशंस भी गटर में चले जाते हैं, तो वो फैट कटर अच्छे नहीं होते। तो एक एक पैर से, दोनों पैरों से अर्धलासन, पादवृत्तासन। तो 7 दिन के लिए 7 चीजों का जूस या 7 तरह के फल खाना, सुबह सुबह अनाज नहीं खाना, और दिन में भी रागी, बाजरा, ज्वार आदि खा सकते हो, गेहूं चावल टोटली बंद। चीनी, और चीनी बड़े खतरनाक है, आज भी मैंने खा था, इससे बचो। और नमक, ये तो हड्डियों को भी गला देता है, और ये शरीर के अंदर वाटर टेंशन का और फिर
लाइपोजेनेसिस का काम करता है, लाइपोलाइसिस करना है हमें लंबे लंबे श्वासों के साथ, अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ये सब अभ्यास करना है। और जब भी प्यास लगे गर्म पानी ही पीना है। ओहो जी मेरी बहन, स्वामी जी जब वेट बढ़ता है तो मोटापा सबसे पहले पेट पर दिखाई देता है, जिसे बेली फैट कहते हैं। लोगों की पर्सनालिटी बिगाड़ने में ये सबसे अहम रोल प्ले करता है और ये सबसे जिद्दी भी होता है स्वामी जी। लेकिन बात सिर्फ लुक्स की ही नहीं है, पेट पर जमा चर्बी कई बीमारियों की भी वजह बनता है। तो बेली फैट कम करने के लिए अलग से एक सेशन करवा दीजिए। हाँ, तो बेली फैट के लिए एक अभ्यास ये अर्धहलासन, भुजंगासन और सलभासन बता चुके हैं, उल्टे लेट करके। चलो फिर से दोहरा देते हैं, ऐसे 2-3-5-10 राउंड करना। तो ये अर्धहलासन, फिर उल्टे लेट करके एक एक पैर से, दोनों पैरों से ये सलभासन, ये बेली फैट को कम करेगा। नाभि के नीचे वेट लटक जाता है ना, उसको कम करेगा ये। और जो दो घूर कर सके ऐसे पूरे, ऐसे पूरा करना ये। और फिर ये भी बेली फैट को भी कम करता है और पूरे शरीर में ताकत भी आती है, स्टेमिना भी अप होता है। दो अभ्यास उल्टे लेट के, फिर दो अभ्यास ही बैठ करके, देखो ऐसे, ये बेली फैट को कम करने के लिए ऐसे ये, और फिर दो अभ्यास खड़े होकर के ये करो करो करो। हाँ, कुछ बात बनी? हाँ, अभी मजा सा आया और मौसम बहुत सुहाना, सूर्य उदय हो किने के साथ साथ पूरा भाग्योदय हो रहा है, बहुत आनंद है। पीछे हमारे कबूतर भी, ये भी ऐसे ध्यान से सुन रहे हैं कि जैसे पिछले जन्म में मेरी योग क्लास अटेंड करके ही गए थे और इस जन्म में भी इसलिए सुन रहे हैं कि अगला जन्म फिर योगी का ही मिले ऐसे। ये दो अभ्यास, ये बेली का फैट कम करने के लिए दो, और फिर दो अभ्यास खड़े होकर के ये वाले, आगे झुकना धीरे धीरे और पीछे झुकना ऐसे, ये बेली फैट को कम करेगा ये, इसको ये बेली फैट। बड़ा खतरनाक, बड़ा भूंडा भी लगता है ना। अपना पेट छाती के नीचे रहना चाहिए और दाएं बाएं लटकना नहीं चाहिए, इधर इधर ये मसंडे नहीं पड़ने चाहिए बच्चे पेट में, बिल्कुल मसंडे नहीं पड़ने चाहिए, लटकना तो बिल्कुल ही खराब है ऐसे। पहले ना फैशन में लोग पहनते थे एक पैंट पहन करके यहाँ गले में तक डालते थे, तो फैट को छिपाने के लिए होती थी ये। स्वामी जी वो तो आज भी माताएं भी जब तगड़ी हो जाए तब घाघरा और वो साड़ी पहने, और पतली हो जाए तो फिर पजामिया पहने, स्किन टाइट पजामिया। ये स्वामी जी फैशन का भी नाम ये है, बॉडी फिट इसके लिए अच्छी बॉडी चाहिए। ऐसे, और अगर आप मोटे हैं तो आप बैगी पे पहनिए जिससे कि आपका फैट छुप जाए। लेकिन स्वामी जी आपके यहाँ पर जो एक शख्स आए हुए हैं, जैसा बताया उन्होंने कि उनके बॉडी में फैट इसलिए बढ़ गया क्योंकि हार्मोन्स का जो है वो लेवल ऊपर नीचे हो गया था, यानी इंबैलेंस हो गया। तो फैट जो होता है बॉडी के अंदर आपके हार्मोन्स के बैलेंस को ही बिगाड़ देता है। तो स्वामी जी इसके क्या उपाय है कि आपके बॉडी के हार्मोन्स फैट के वजह से ना बिगड़े? देखो, हार्मोनल इंबैलेंस के लिए तो बेटा अनुलोम विलोम करो, चलो बैठ जाओ सब, अनुलोम विलोम या हार्मोनल इंबैलेंस को दूर करता है। अब जो सूर्य नमस्कार कर सके, सूर्य नमस्कार भी बड़ा अच्छा है फैट को कम करने के लिए। ये भी हम 10 बार से लेकर के 100 बार तक करा देते हैं, इसमें पूरे शरीर का पूरा सर्वांगीण व्यायाम भी हो जाता है। अब हार्मोनल इंबैलेंस के लिए एक तो अनुलोम विलोम, कपालभाति, उज्जायी, वो आगे बताने वाले हैं, एक शीर्षासन, थायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम, राइट लेफ्ट ब्रेन, हाइपोथैलेमस सिस्टम, ब्रेन के न्यूरॉन्स, वहाँ से हार्मोन्स की गड़बड़ सबसे ज़्यादा होती है। फिर उसका असर फिर जो है हमारे थायराइड पैराथायराइड का पिट्यूटरी पर असर पड़ता है, इसलिए T3 T4 और TSH मापते हैं। एक तो ये शीर्षासन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे ना हो तो दीवार के साथ कर लेना, यह हार्मोनल इम्बेलेंस के लिए बड़ा अच्छा है। दूसरा है सर्वांगासन, ये ऐसे होता है सर्वांगासन, ये बड़ा जबरदस्त है, इसमें थायराइड भी पूरा ठीक, हार्मोनल बैलेंस भी ठीक, और ये हलासन भी है, बिना हाथ लगाए भी ऐसे भी हो जाता है और हाथ लगा के भी ऐसे हो जाता है ऐसे।
फिर एक और अभ्यास है, ऐसे पद्मासन में ऐसे और पीछे से ऐसे हाथ लगा के ऐसे गर्दन मोड़ती और ऐसे कर लिया, ये हो गया मत्स्यासन। क्या हुआ? मत्स्यासन बड़ा अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है थायराइड के लिए और हार्मोन इम्बेलेंस के लिए। फिर ये सिंहासन, चलो एक बार शेर की तरह दाड़ो, ऐसे 5-10 बार धड़ना और 5 मिनट ये उच्चाई करना, 5 मिनट, 5 बार नहीं मात्र, और फिर ये पॉइंट भी दबाना, ये थायराइड के लिए, हाथ में भी पैर में भी, दो जगह पॉइंट है ये, हाथ में पैर में, यहाँ से, ये यहाँ से अंगूठे के नीचे से, जो मोटे मोटे हैं ना उनका दुखेगा, ऐसे जोर से दबाओगे। वैसे स्वामी जी, जिनका वजन ज्यादा होता है वो तो दहाड़ भी नहीं पाते, उनकी आवाज भी तेज निकलती नहीं है। जी मेरे भाई, परेशानी है मोटे लोगों की। वैसे स्वामी जी, अब जरा जंक फूड की बात कर लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जंक फूड को ना बोलते हैं बड़ा विलन माना जाता है, कि जो शरीर में मोटापा आता है, फैट आता है। स्टडी के मुताबिक तो इस तरह का खाना ब्रेन और आपके आंत के सेल्स के भी बीच तालमेल बिगाड़ देता है, जिससे दिमाग के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो पेट भरने का पता ही नहीं लगा पाते। ऐसे में मोटापा घटाने के साथ साथ पाचन को दुरुस्त करने के स्वामी जी उपाय चाहिए होंगे, ताकि ब्रेन से जो कनेक्शन है परफेक्ट रहे और एक कम्युनिकेशन जबरदस्त चलता रहे, खासतौर पर आपकी तरह, क्योंकि आपका जो कम्युनिकेशन है स्वामी जी, मुझे लगता है सारे सेटेलाइट फेल हो जाते हैं इससे। तो देखो देखो, मैंने पिछले 35 सालों से अपने आप को ऐसे मेंटेन रखा हुआ है। कितने सालों से? उससे पहले तो 25 साल की उम्र तक तो कोई ऐसा ही नहीं होता है, तो हार्मोनल इंबैलेंस से बच्चा मोटा हो गया थोड़ा। 35 सालों से ऐसे मेंटेन किया हुआ है मेरे, मैं जब ऐसे पकड़ता हूँ ना तो अंगूठा पीछे और अंगुलियों में पूरा पेट है, तुम्हें तो ऐसे पूरा बांध भरनी पड़ेगी, गाँव की भाषा बोलते बांध भर। टारगेट ये होना चाहिए, क्या नाम है बाबू? मनोज कुमार सिंगल साहब। सिंगल ही हो जाओ, डबल हो अभी, और सनी अक्षित, अक्षय ऊर्जा पाओ अपने भीतर से। देखो ऐसे ऐसे पकड़ के देखो, देखो कितनी दूरी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप 28 इंच की भी कमर को लाकर आप 10-12 कर देते हैं। हाथ में भी नहीं आ रहा। हाँ। तो देखो क्या चाहती है वैसी हो। अब अगली बात, अपने ब्रेन की न्यूरॉन्स को अच्छा रखना है तो एक चम्मच घी खाया करो। क्या खाना? एक चम्मच, खाली पेट, खाने के साथ नहीं, वो सीधा दिमाग तक पहुंचेगा। 1 किलो 400 ग्राम का दिमाग 80% अच्छे फैट से बनता है, और सबसे अच्छा फैट है गाय का, और दूसरा फैट है लड़ाई झगड़ा कराने वाला, तमस बढ़ाने वाला, रोग बढ़ाने वाला भैंस का, फिर है सरसों का तेल, तिल का तेल, नारियल का तेल। एक चम्मच खाली पेट ले लो कोई भी चीज, तिल का तेल बहुत अच्छा है, नारियल का तेल बहुत अच्छा है, खाने में भी तिल का तेल, नारियल का तेल घी जैसा लगता है खाली पेट। हाँ, और बाकी तेल ही नहीं खाना। उससे दिमाग के न्यूरॉन्स, और लंबे सांस लेने से, और जो आप बता रहे थे ना वो एक जो है ना लेप्टिन लेवल है, लेप्टिन लेवल गड़बड़ होने से भूख बहुत लगती है। अच्छा, मोटे आदमी खावे तो फिर वजन बढ़ जाए, तो फिर तुम क्या खाया करो? पाइनएप्पल खाया करो, पपाया खाया करो, सेब खाया करो, बग्गू गोसा खाया करो, और क्या खाया करो, और खाया करो तरबूजा, कितना ही खा लो वजन नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि 2-2 किलो खाना है। और जब प्राणायाम करते हो ना, तो ये मनोज बोल रहा था, बोले जी बाबा जी यहाँ आके दे कुछ नहीं रहे, खाली काढ़े पिला रहे, भूख नहीं लग रही, और घर में जब तक 1-2 किलो राशन ना पेल ले, एक होता खाना एक होता पेलना, 1-2 किलो राशन ना पेल ले तब तक शांति नहीं मिलती। आधा घंटे तक खाता था, लाओ लाओ रहता था नाश्ते में, खाने में। अब क्या करना, अब योग करते ना तो लेप्टिन का लेवल नॉर्मल आ जाता है, और खराब हार्मोन्स
ये प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएच, ये भूख को बढ़ाते हैं, और एंडोर्फिन एकेफ जो है, ये अच्छे जो हार्मोन्स है ना, सेराटोनिन, मेलाटोनिन, ये हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। चलो प्राणायाम ही करो, और पाचन अच्छा रखने के लिए दो उपाय, एक तो पवन मुक्तासन, एपोप्टोसिस गड़बड़ हो गया, ऑटोफेजी माइटोफेजी गड़बड़ हो गई, मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो गया, वात पित्त गड़बड़ हो गया, पाचन तंत्र में षड्यंत्र हो गया, पाचन तंत्र गड़बड़ हुआ तो षड्यंत्र हो जाएगा शरीर में, ये बड़ी जरूरी बात है। तो पवन मुक्तासन, और वो भी कपाल भाती के साथ, और वो भी चलित पवन मुक्तासन, देखो ऐसे ऐसे वाला, हाँ, इसमें तो और आनंद आ जाता है, और मोटे मोटे लुढ़केंगे तो और अच्छे लगेंगे, हमको तो प्रयत्न पूर्वक लुढ़कना पड़ता है, और जो खुद ना लुढ़के तो पत्नी या बच्चे लुढ़काए ऐसे, ये ऐसे, और फिर ऐसे ऐसे और ऐसे। ये हमारे बच्चे योग में बीए, एमए, बीएससी, एमएससी कर रहे हैं, और इनके ग्राहक देखो, ये तुम्हारे ग्राहक हैं। बोलो, पढ़ाई के बाद कमाई कैसे होगी? तो ये लाला जी लोग, ये मनोज सिंगल तुम्हारी कमाई कराएगा। बोले बच्चे हमको घर ही आके करवा दीजिए। तो ऐसे चार पांच लालाओं को पकड़ लिया तो तुम माला माल हो जाओगे। एक एक लाला जी 10-20 हजार रुपए देंगे, लाख दो लाख की तनख्वाह मिल जाएगी, उतनी तो एंकरों को भी नहीं मिलती शुरू में। जो टीवी पर बड़े बड़े फेस देखते हो ना, मैं तनख्वाह नहीं पूछ रहा हूँ अमित जी की और पूजा ज्योत्सना की, नहीं तो पीछे से डांट पड़ेगी अनीता जी की। स्वामी जी, थोड़ा हंसी मजाक की बात कर लेते हैं, हंसी मत लेना। तो ये तो पाचन के लिए जो सुर्खियों में बना रहता है, और ये मंडूकासन, जंक फूड। स्वामी जी, अक्सर जब भी मोटापे का, बताओ क्या सुर्खियों में बना रहता है हेडलाइंस, मोटापे का जिक्र होता है तो जंक फूड के बिना बात अधूरी रह जाती है, और इसी जंक फूड पर एक स्टडी हुई है जिसके मुताबिक जंक फूड से पेरेंट्स में बढ़ने वाला मोटापा डीएनए के जरिए उनके बच्चों में भी ट्रांसफर हो सकता है। ऐसे में जो पेरेंट्स ओवरवेट हैं, वो ऐसे कौन से उपाय अपना सकते हैं कि उनके बच्चों को कम से कम मोटापा विरासत के रूप में, सौगात के रूप में ना मिले, जेनेटिक चेन को कैसे तोड़ा ना मिले, विरासत के रूप में अच्छी चीजें देके जाना, अपने आने वाली पीढ़ियों को मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड बीमारियां नहीं देके जाना। एक दिन में दिल्ली में जा रहा था, सच्ची बात बता रहा हूँ, तो बापू करीब 1 क्विंटल का, बेटी पर करीब जो है 50 किलो की, और एक बेटा और वो भी 70-80 किलो का। अरे मैंने कहा भैया स्कूटर पे चल कैसे रहे? तो माँ बाप मोटे होते हैं तो ये बच्चों में भी ट्रांसफर हो जाता है, तो क्या करें? तो एक तो रोज अपने घर में एक नियम बना लें कि भाई इस घर में रोज योगाभ्यास होगा, प्राणायाम होगा, और मोटे हो, देखो तुरंत पतले होकर के बच्चे नहीं पैदा कर, मोटे कई बार ना बच्चे मोटे हो जाते हैं और शादी के चक्कर में वजन घटा लेते हैं। करीब 1 साल तक अपने वेट को मेंटेन करो, तो फिर उसका असर जो है, वैसे तो 3 महीने में आ जाता है, हमारे शुक्र तक आ जाता है, शुक्र और रज, स्पर्म ओम जिसको बोलते हैं, जिससे आने वाली संततियां तैयार होती हैं। तो अपने शरीर को पूरा शुद्ध करो, तो फिर चाहे मोटापा है, किसी को और भी कोई बीमारी है, 1 साल तक, करीब 9 महीने तक, 9 महीने में स्टेबिलिटी आ जाती है हमारे स्पर्म में, ओवम में, रस रक्त मांस में, अस्थि मज्जा शुक्र में, है ना, तो फिर दिक्कत नहीं होगी। शुद्ध करने के लिए क्या करें? पंचकर्मा षटकर्मा करें, एक तो सुबह सूरज की धूप में बैठें, शंख प्रक्षालन करें, बस्ती करें, और हम तो यहाँ कोलोन थेरापी भी करवा देते हैं ऐसे, और देखो प्राणायाम करें, आहार पर नियंत्रण करें, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुखा। तो माता पिता अपने आरएनए डीएनए प्रोटीन पूरे एक एक सेल जीन्स क्रोमोसोम्स उनसे बनने वाले ऑर्गन्स पूरे फिजिकल स्ट्रक्चर और अपने शारीरिक स्वरूप के साथ अपनी मानसिक भाव चेतना अपने मानस को भी रूपांतरित कर सकते हैं। योग रूपांतरण की प्रक्रिया है। क्या है योग?
रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है। अब लंबे सांस ही लेने से आपको एक घंटे में आधा किलो वेट कम करना है, तो एक घंटा लंबा ही श्वास लो। चलो बैठो। स्वामी जी कुछ कहते हैं जी, हिला ही नहीं जा रहा। मैंने कहा सांस तो आ रहे हैं। बोलो हाँ जी, वो भी खींच करके लेने पड़ रहे हैं। खींच के श्वास ही ले और छोड़। एक घंटे में आधा किलो वेट कम। जी ज्योत्सना जी। स्वामी जी, मोटापा सिर्फ हमारी फिजिकल एक्टिविटी को कम करता है बल्कि ब्रेन के फंक्शन को भी स्लो कर देता है। बढ़ते वजन का असर दिमाग पर ना पड़े उसके लिए कौन कौन से प्राणायाम करें, जरा एक बार उनका अभ्यास भी करवा दीजिए। तो भस्त्रिका से तो वेट कम होगा, कपाल भाति से फिर ये जो वेट जमा हो जाता है ना, कहा लीवर पर, किडनी पर, पेनक्रियास पर, आंतों पर, यूट्रस पर, ओवरी पर, प्रोस्टेट पर और सब जगह, यहाँ तो गले तक, किसी किसी को तो डबल चिन तैयार हो जाते, गर्दन भी यूं नहीं घूमती। और लोग हैं बड़े मरोड़ में रह रहे, मरोड़ में नहीं बेचारे की गर्दन मोटी हो रखी। तो ये ऐसे गर्दन भी नहीं घूमती, घूम करके ऐसे ये थोड़ी कहाँ जानी चाहिए बच्चे, अक्षित कंधे के ऊपर घुमा, आ तो गई बच्ची, फ्लेक्सीबिलिटी तो है, उम्र कम है ना बेटा। हाँ ये भी डबल चिन भी, कपाल भाति से ये जो फैट एक्सेस जमा होता है ना, फिर लीवर की, किडनी की, डायबिटीज की, गैस की, कब्ज की, एसिडिटी की, पायस की, फिस्टुला और ओवरवेट लोगों को सेक्सुअल डिसऑर्डर भी। कल एक बोला जी मेरी पत्नी छोड़ के भाग गई। बोले कमजोरी है मेरे अंदर, क्या करूं। मैंने कहा एक तो प्राणायाम कर, कपाल भाति बाह्य प्राणायाम, और यौवन गोल्ड हमने एक बना रखा है, बहुतों की शादी टूटने से बच जाएंगे लो। और बाकी प्रेम खाली फिजिकली नहीं होते, लेकिन फिजिकली भी तो फिट रहना चाहिए ना। चलो एक कपाल भाति, ये बाह्य प्राणायाम, दोनों ही मोटापा के लिए बड़े जा। फिर दिमाग पर जो बुरा असर आता है उसके लिए अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत। तो भ्रामरी उद्गीत तो पूजा जी और ज्योत्सना जी कर लेंगे, अनुलोम विलोम में कर रहा हूँ। ब्रेन के लिए बड़ा जबरदस्त है, और ब्रेन के लिए जो खाली पेट मैंने गाय का एक चम्मच घी बताया था ना, वो भी बड़ा जबरदस्त है। और मेधावटी मेमोरी ग्रीट जी। और आज जी, एक हम काढ़ा बता, आप उस काढ़े में थोड़ा ब्राह्मी शंख पुष्पी डाल लें, अश्वगंधा डाल लें, उससे वेट भी कम हो जाएगा और ब्रेन फंक्शन भी अच्छा। आपके यही जो नुस्खे हैं ना, इसी का इंतजार कर रहे हैं दर्शक, क्योंकि योगाभ्यास प्राणायाम के बाद अब बारी आती है नुस्खे बताने की। लेकिन जब तक आप तैयारी करें नुस्खे बताने की, तब तक हम बताते हैं कि कल किस टॉपिक पर आप बात करेंगे। कमजोर मसल्स, बिगड़ा लाइफस्टाइल, स्ट्रक्चरल इंबैलेंस का बनना जाए संकट, खराब पाचन, बीपी, शुगर, थायराइड की टेंशन, क्या है बॉडी को बैलेंस रखने का सॉल्यूशन, बॉडी फिट, इम्यूनिटी हाई, बैलेंस होगी लाइफ। पुणे से योगगुरु स्वामी रामदेव की क्लास लाइव कल सुबह 7:56 पर देखिए इंडिया टीवी, और स्ट्रक्चर और बैलेंस करने के तमाम उपाय योगगुरु स्वामी रामदेव से जानिए। स्वामी जी अब नुस्खे की बारे। कल आइडियल AQI वाले शहर से स्वामी जी जुड़ेंगे हमारे साथ। हाँ, तो ये एक तो खीरा ना बड़ा जबरदस्त है, इसमें थोड़ा सा आंवला डाल दिया करें इसी के अंदर ही, ये आंवला, ये आंवला थोड़ा सा डाल दिया, और ये खीरा, ये लौकी के साथ साथ ना, अब इसमें थोड़ा सा धनिया पुदीना, थोड़ा सा नींबू डाल दिया, जब आंवले का सीजन नहीं होता है तो नींबू, आंवला, और इसको पीते हैं ना, इसका तो ज़बरदस्त टेस्ट है। बहुत सारे उधर वाले इधर ही देख रहे हैं कि बाबा क्या हमको ही मिलेगा या खुद ही पी जाओगे। खाना नहीं कम से पीना ही सही मिले कुछ तो। हाँ तो देखो ये बड़ा ज़बरदस्त है, घूंट घूंट करके पीना चाहिए, बड़ा स्वादिष्ट है। इसमें अब ये हल्दी, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा ये अदरक, इसके छोटे छोटे पीसेज ऐसे काट के रखें, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा जीरा, हाँ आधी चम्मच जीरा, और एक चम्मच ये मेथी, ओहो मेथी को थोड़ा सा दरदरा कूट लें तो जल्दी इसका असर होगा, और 2 ग्राम के करीब अजवाइन, और चुटकी भर करीब काली मिर्च, ओहो हो, और इसमें डाल दें फिर ये अश्वगंधा के पत्ते, अश्वगंधा ब्राह्मी शंख पुष्प भी मिल जाए तो और अच्छा है, इसको भी पत्तों को थोड़ा
ऐसे तोड़ करके ऐसे डाल दें, और ये 5 से लेकर के 10-15 तक पत्ते डाल सकते हैं, छोटे बड़े होते हैं साइज में उसके अनुसार। और अब देखो ये जूस तैयार हो गया। आ जाओ रे मोटे मोटो, तुम्हारे लिए मैंने काढ़ा बना दिया है, हैं? आ जाओ पियो। अच्छा उन्होंने जूस मिल रहा है काढ़ा। हाँ, स्वामी जी ये काढ़ा इतना जबरदस्त है। तुम्हें पानी फेर दिया। नहीं लेकिन यही ये पानी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। ये तो काढ़ा है ना, लेकिन ऐसा इसमें थोड़ा शहद भी डाल के पी सकते हैं जी। हाँ ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है, और इसमें ऐसे ही इसको थोड़ा थोड़ा पी लो। ये प्रसाद है बाबा जी का, मोटापा कम करने वाला, तो ये बड़ा जबरदस्त है। अब इसको जो पिएगा, अब यही काढ़ा ही पीना, बाकी तो रिजर्व फैट काम आएगा। खाना बंद 2 महीने के लिए, 21-21 दिन का उपवास करना है। कितने दिन का? 21-21 दिन का। अरे मुर्गियां तक कर लेते तो मुर्गियों से भी गए बीते हो क्या? पोल्ट्री फार्म वालों से पूछ के देखना किसी से। स्वामी जी बहुत जबरदस्त, इनको टास्क दे दिया है। हाँ तो ये आज का जो काढ़ा बताया है जी, ये अप्रतिम है। तो स्वामी जी आज का तो योग का टास्क हो गया, अब हम जरा न्यूज के टास्क की ओर बढ़ते हैं और आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, कल फिर से मुलाकात। शुक्रिया स्वामी।